तो अब इसकी जो रेस्टोरेंट फोर्स अलाउड है दैट इज कॉल्ड एफ डैश। तो वेदर एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ और एफ इज ग्रेटर देन एफ डैश, ज्यादा होगा ना। सो देयरफॉर एफ तो आ गया आपके पास कितना, दिस दोनों के, देयरफॉर एफ डैश इज इक्वल टू माइनस के तो ऑलरेडी है ना। नाउ इंक्रीज इन लेंथ क्या है, एल प्लस वाई। ओके वही नहीं है। ऑल्सो जब ये यहाँ पे स्टेशनरी है, तो जब मैंने इसको यहाँ पे सस्पेंड किया और ये अपना गोल यहाँ पे लेफ्ट करके यहाँ पे स्टेशनरी हो गया। तो उस टाइम में फोर्स है किसके बराबर होगी, एम जी एल के। ओके देन यू कैन ऑल्सो से दैट ये जीरो हो जाएगा, ये बराबर एफ इक्वल टू व्हाट, माइनस एम जी, एफ इक्वल टू व्हाट, माइनस एम जी, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ मैं, माइनस एम जी, एफ इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एम जी। तो देयरफॉर देयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल, देयरफॉर माइनस ए एम माइनस एम जी। ओके और इट इंप्लाइज एल अपॉन जी इक्वल टू एम अपॉन L upon G is equal to M upon A. Okay, now what we are, so what is this F dash minus AM plus Y? ठीक है ना? Okay, this equation number two, this equation number two. Okay, so therefore, what is the total force? F dash minus F. A force है, देखो F force ने तो इसको क्या नहीं किया, एक्सलरेशन प्रोड्यूस नहीं की, ये तो वहीं पर रह गया। लेकिन जब मैंने इसको और नीचे को खींचा तो टोटल रेस्टोरेंट फोर्स कितनी होगी, एफ डैश। तो वो कौन सी फोर्स है जो इसको मोशन में लाएगी, एफ डैश माइनस एफ, एफ डैश माइनस एफ। देयरफॉर एफ डैश माइनस एफ इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू माइनस के इनटू एल प्लस वाई माइनस माइनस के। ओके और इट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए वाई, माइनस के वाई। ओके माइनस के वाई। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू टोटल फोर्स माइनस और डिवाइडेड बाय मास। एक्सेलरेशन क्या होता है, बोलो सवास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, टोटल फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी, जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ये तो फोर्स नहीं कर रही एक्सेलरेशन, जब मैं इसको एफ डैश से खींच लिया तो फिर ये क्या लगा कर रहे। तो टोटल फोर्स कौन सी है, यहां इसके पास एक फोर्स है, यहां और ऐड हो गई, तो टोटल कौन सी फोर्स है जो इसमें एग्जीक्यूट करेगी मोशन, एफ डैश माइनस एफ। सो देयरफॉर अपॉन एम, ओके और इट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए अपॉन एम इंटू वाई, माइनस के अपॉन एम इंटू वाई। ओके और के इज व्हाट, कॉन्स्टेंट, एम इज व्हाट, कॉन्स्टेंट। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट acceleration is always directed toward the mean position. Okay, acceleration is always directed towards the और अगर acceleration हमेशा mean position की तरफ हो तो motion कैसी होती है, simple harmonic motion। यहाँ से confirm हुआ ना, because acceleration is right on, as acceleration is directly proportional to minus y, therefore the motion of the spring is SHM, is बोलो बेटा जी SHM, therefore time period कितना हो गया इसका, बेटा time period कितना होता है, तो साथ time period के हमने निकाल किया expression 2 pi under the root L upon G, okay 2 pi under the root, yes 2 pi under the root displacement upon acceleration, एक ये था मैंने निकाल लिया, displacement upon
एक्सलरेशन। और अगर मैं इसको देखो यहां से बोलो तो सावास ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी यहां से मैग्नीट्यूड y अपॉन a इज इक्वल टू व्हाट, m अपॉन k, a इज इक्वल टू k अपॉन m y, सो y अपॉन a कितना आ गया m अपॉन k, और m अपॉन k कितना है l अपॉन g, सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 2.100 m अपॉन k, और इट इज इक्वल टू 2.100 l अपॉन g, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा बोलो शाबाश, इसका अपोजिट है, यस यस, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बोलो शाबाश, दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट a अपॉन y, और इट इज इक्वल टू 1/2 रूट k अपॉन m, और इट इज इक्वल टू 1/2 रूट g अपॉन g अपॉन l, m root l g upon l, okay, so therefore time period of oscillation is directly proportional to root m, okay, time period jo hoga theek hai uska jo kya hoga shabas, time period jo hoga kya hoga shabas, directly proportional to mass of the suspended body, directly proportional to mass of suspended, dekho listen, agar maan lo yahan pe 1 kg ho और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे मान लो कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 2g के लिए कितनी होगी, 2 kg के लिए 10 हो जाएगी, तो y बढ़ गया ना, अगर y बढ़ जाएगा तो टाइम भी बढ़ गया, टाइम y बढ़ गया तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओके। स्प्रिंग दो तरह का होता है, एक होता है डेलिकेट स्प्रिंग, एक होता है स्टाउट स्प्रिंग, स्टाउट स्प्रिंग होता है टफ, जो डेलिकेट होता है उसके लिए वैल्यू ऑफ k क्या होती है लेस, और जो स्टाउट होता है या टफ स्प्रिंग होता है उसकी वैल्यू ऑफ k क्या होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है उसका, ज्यादा, ओके। मींस वो बताया था ना मैंने आपको एक पैन टुच कबाड़ा, जिस दिन उसका स्प्रिंग नया होता है ना उस दिन जोर से करता है टुच को, परले कमरे तक सुना देती है टुच कर, ओके okay? और जब महीना दो महीने बाद जो ठीक है लगी रहती है ऐसे ऐसे जैसे महीने ना, फिर एक दिन ऐसा होता है वो क्या बन जाता है डेलिकेट है ना, मतलब तो उसको टूच को करो टूच के लिए होती है ना, ऐसा तो जब इलास्टिसिटी बढ़ती है ना, फिर उसको आप ना थक आके जेब में डाल लेते हैं ठीक है, और फिर अपना काम दूसरे फैन से ले जाते हैं करने के, जेब में हो जाती है पूछ, समझिए वो जो डेलिकेट था पहले, हम दोनों को ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं, अदरवाइज तो स्टाउट तो हो गया ना, जैसे किसी मशीनरी में लगना आप मोटरसाइकिल के जो स्टैंड नहीं होता, जो स्टैंड होता है उसमें लगा होता है ना स्प्रिंग, उसको बोला आप ऐसे लगा के देखना स्प्रिंग को, उसके लिए मैकेनिक से लगता है ना, या फिर स्प्रिंग में आप रस्सी डालो जोर से खींचो उसको, डाली कभी स्प्रिंग, यस राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, 20 ग्राम वेट प्रोड्यूसेस, अ 20 ग्राम वेट प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, एन एक्सटेंशन ऑफ 2 सेंटीमीटर इन अ वर्टिकल स्प्रिंग, इन अ वर्टिकल स्प्रिंग a mass of 10 gram is suspended, a mass of 10 gram is suspended at its bottom and left pulling down, calculate the frequency of its vibrations, calculate the frequency of its vibration given 20 gram mass hai na, mg is equal to 20 gram force
mg is equal to kitna beta bolo sir 20 ग्राम फोर्स और इज इक्वल टू 20 इनटू 9 एवी डायन ओके एंड और कह दिया बेटा आपको अ मास ऑफ 100 ग्राम प्रोड्यूसेस इट्स फुली कूलिंग वी नो mg इज इक्वल टू kl mg इज इक्वल टू kl देयरफॉर k इज इक्वल टू mg अपॉन l देयरफॉर k इज इक्वल टू व्हाट mg अपॉन L or it is equal to 20 into 980 or extension kitni di thi producing extension 2 centimeter upon 2 is equal to 9800 dyn per centimeter okay aur abhi humne frequency ke liye kiya tha relation hai फ्रीक्वेंसी के लिए अब हमारे पास एल की वैल्यू भी है के की वैल्यू भी है एम की वैल्यू भी है जी की वैल्यू भी है ना ओके वी नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट के अपॉन एम टू द वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई 2 इनटू 3.14 इनटू रूट के नीचे आएगा 9800 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आंसर राइट डाउन 1.576 9.576 per second or hertz राइट डाउन बेटे सिंपल पेंडुलम motion of a simple pendulum write down a simple pendulum is a heavy point mass suspended by a weightless comma inextensible and perfectly flexible string from a rigid support about which it can vibrate freely. क्या लिखा आपने बेटा बोलो सावास देखो here is our rigid support and here is the inextensible. Inextensible का मतलब अगर मैंने 100 सेंटीमीटर ली है अगर स्ट्रिंग तो इसके ऊपर जो मैं किसी मास को लटकाऊंगा और उसको वाइब्रेट करेगा तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं करेगा ना इनएक्सटेंसिबल और वो फ्लेक्सिबल भी है फ्लेक्सिबल समझ गए ना आप फ्लेक्सिबल समझ गए मतलब जैसे ही मैं इसको धक्का दूंगा ऐसे ऐसे चलती रहेगी ना ऐसा नहीं मैंने लोहे की तार से कस दिया धक्का दिया वही खड़ा हो गया ना समझ गए फ्लेक्सिबल एंड वेटलेस का मतलब हो गया जितना उसका वेट कम होगा उतना ही क्या करेगा उसका एरिया भी क्या होगा कम होगा जितना एरिया कम होगा तो वाइब्रेट करती बार क्या होगा उसको एयर का रेजिस्टेंस भी तो क्या होगा कम होगा ओके सर तीनों वर्ड का समझ आ गया आपको याद है आ जाएगी चल गए पता है जैस्मिन व्रत रखा है मोहन एक्टिविटीज का सेंटर है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन जो बॉब है इसका जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन और जहां पे मैंने इसको रिजिड फोर्स से एस सस्पेंड किया इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओके तो ये जो इसका पॉइंट ऑफ और एक सेंटर है ना समझ जाओ पर निकालो डिस्टेंस के का पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम ओके सर और बताया था ना मैंने अगर इसमें पानी ले तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नीचे होता है ऑसिलेशन नीचे होता जाएगा ना
आपको पता था इसका, आपको पता है ऐसे भी ऐसा करने से मतलब टाइम पीरियड बढ़ता है या घटता है? पता तो था आपको, पता था आप सच सच बोलते नहीं हो वहां झूठे। आपने बच सेकेंड पेंडुलम, अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, सेकेंड पेंडुलम, अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज व्हाट? बोलो सवाल सुना जी, 2 सेकेंड। ओके ओके, सो देयरफॉर स्टेरिंग बोथ साइड इज इक्वेशन वी गेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 4 पाई स्क्वायर इनटू एल अपॉन जी। Therefore, L is equal to T square into G upon 4 into pi square is equal to 4. Time period कितना उसका? 2 second. तो 2 T का square कितना हो गया? 4 into 9.8 divided by 4 into 3.14. So 3.14 का स्क्वायर है ना, तो राइट डाउन इट विल कम आउट टू इक्वल टू t स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो रिप्लेस टू 982, 4 into 980 डिवाइडेड बाय 4 into 3.14 इज इक्वल टू 99.3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 99.3 सेंटीमीटर। ओके, अगर लेंथ यू प्रॉब्लम लुक 99.3 या 100 सेंटीमीटर भी, उसका आने जाने का 2 और 4 मोशन का कितना होगा? यहाँ से चलने का फिर यहाँ पे जाने का 1 सेकंड जाने के लिए ऐसा ही करने के लिए। ओके टाइम पे राइट ऑफ यस energy of a particle executing simple harmonic motion, energy of a particle executing simple harmonic motion, number 1 potential energy, number 1 potential energy, we know acceleration is equal to minus omega square y. We also know that force is equal to mass into acceleration is equal to minus m into omega square into y. Okay, okay. और अगर मैं थोड़ी सी displacement देता हूँ उसको, चाहे spring को चाहे किसको, pendulum को, पहले तो पेंडुलम या स्प्रिंग या लटका हुआ था मास से, फिर अगर मैं उसको थोड़ा सा भी अगर नीचे कहें तो जो फोर्स एक्स्ट्रा लगाए मैंने ना, तो क्या डाल देता है इसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करता है, तो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मेरे को काम कितना करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही। राइट ऑन, इफ डी वाई डिस्प्लेसमेंट, इफ डी वाई डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू द वाइब्रेटिंग बॉडी, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन एंड दैट वर्क इज डन इज इक्वल टू माइनस एफ इनटू डी वाई। माइनस एफ क्या बता रहा है, क्योंकि डी वाई नीचे को होगा और एफ कम होगा ऊपर को, देयरफॉर इज इक्वल टू व्हाट? एम ओमेगा स्क्वायर वाई इनटू डी वाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके, तो नाउ व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कितनी है, जीरो, और मैक्सिमम कितनी है, y, so therefore integrating from 0 to y of dw is equal to what? M is constant, omega square is constant, integration from 0 to y of y into dy, or it is equal to m omega square into y square upon 2 from 0 to y, or it is equal to 1 by 2 m omega square of only the y square minus 0 square. Okay, yes. So therefore potential energy kitni aage beta, work done kar aage 1 by 2 m omega square
And this amount of work done will store in the vibrating body in the form of its potential energy U is equal to 1 by 2 m omega square y square. Okay, m omega square y square. बेंच इधर कर लो, दिखाई दे रहा है। m omega square राइट ऑन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 बाय 2 एम वी स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. But we also know that velocity is equal to omega into what, r square minus y square. Displacement, velocity or acceleration के लिए हमने relation find out किया था. Yes sir. Therefore t equal to what, 1 by 2 m into what, omega square into r square minus y square. Yes. This kinetic energy ना? This is what? Kinetic energy. तो व्हाट इज टोटल एनर्जी, व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ओके, पोटेंशियल एनर्जी 1 बाय 2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू y स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1 बाय 2 इनटू m ओमेगा स्क्वायर इनटू व्हाट, r स्क्वायर और एक और आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 m ड्रॉ करना होगा इसके लिए. यस, हियर इज द ग्राफ, कैसे कैसे काइनेटिक एनर्जी देखो चेंज होती है. दिस इज द मेन पोजीशन, हियर y इज इक्वल टू 0. यस, और पेंडुलम कितने दूर पर जाता है, दैट इज इक्वल टू y is equal to plus r and here y is equal to what, minus r, minus r. तो पेंडुलम जब यहां पे होगा तो इसके लास्ट एक्सट्रीम पे होगा तो इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल, काइनेटिक जीरो ना, देयरफॉर यहां पे आ गई पोटेंशियल एनर्जी. जैसे जैसे मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, और फिर जब एक्सट्रीम की तरफ चलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी द्वारा कितनी जाएगी, मैक्सिमम. ओके, सो दिस इज द कर्व फॉर पोटेंशियल एनर्जी और इससे उल्टा क्या है, काइनेटिक एनर्जी. ओके ओके, काइनेटिक एनर्जी. यस बेटा, राइट डाउन नेक्स्ट. फोर्स्ड ऑसिलेशंस resonance, r-e-s-o-n-a-n-c, resonance and damped oscillations. Okay, write down what is free oscillations. A body is said to be executing, jaldi kar do, jaldi shabash. Body is said to be executing free oscillations if it vibrates with its natural frequency, okay. For example, if loaded tuning fork, pendulum. Okay. Listen, free oscillations. Aage likh lo, damped oscillations. देख लो इधर, टाइम खत्म हो रहा है. डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती है, इधर देखो. डैम्प्ड ऑसिलेशन आपको पता है ना, आपकी मम्मा को पता लगता है बेटे की ना ऑसिलेशन खत्म होने लगी है ना, जब मम्मा आपको झूठ लगे के चली जाती थी, फिर वो आपने बड़ी सी गप्पे मारती तो आप पीछे से रोने लगते थे. होता क्या था, आप वाले झूठ लगा, ठीक है, जब मार झूठ लग गया तो आप यहाँ तक गया, फिर धीरे धीरे यहाँ तक रह गया, फिर 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 यहाँ तक रह गया, धीरे धीरे. अगर इसको मैं ऐसे बनाऊ साइन फंक्शन तो ये आ गया ऐसे, है ना, डैम्पिंग है ना, क्या होता है इसको, डैम्पिंग.
तो अगर आपने रोना नहीं होता तो आप मम्मा ना चेहरिया लगा दो, ठीक है, आपको धक्का देती थी आपकी माँ को ऐसे ना, है ना, फिर इसको पता लगता भाई फिर पहुंच गया कि दलाया, फिर धक्का दिया ना, जब ऐसे लगातार उसको धक्का दे रहे तो उसको बोलते हैं अनडैम्ड ऑस्टेसिस, क्या होते हैं इसको, जब आपको लगातार धक्का पड़ रहा है तो फिर एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, उसको बोलेंगे अनडैम्ड ऑसिलेशन। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितनी नेचुरल है। और मेरे हाथ का क्या है, पेंडुलम में अगर मान लो इसको मैं टर्न करूं जोर से तो कांपेगा, और इसको फिर मैं इसके साथ टच कर दूं और ये मेरी फ्रीक्वेंसी से क्या लग जाए, कांपने लग जाए, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या होते हैं इसको, रेजोनेंस। क्या होते हैं इसको, रेजोनेंस। क्या होते हैं इसको, रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसा होता है, आपकी मम्मा ना बकेट रखी हो और ये घड़ा रखा हो या कुछ रखा हो या बोटल रखी हो टैप के नीचे, वो रेजोनेंस ही पहचान जाती है, जब बोटल बोटल भरती जाती है जब आता है तो आता है ऐसे ऐसे, और जब जाता है तो भी ऐसे ऐसे, अगर कहीं आने और जाने वाली वेव सुपर इम्पोज हो तो तबाही होती है ना। और जाती बार मान लो क्रस्ट आ गया, आती बार जब टकराई आए तो ट्रफ आ गया, तो पता ही नहीं कुछ नहीं हमारे समझ है, और चार बार छोड़ के जाए उन्होंने भी ऐसा बनाया था, उसी ठीक का नहीं रहता वो नीचे खिल रहा बनाया। ओके, तो ये आपका चैप्टर हो गया बेटा, नहीं अभी है एक मिनट क्वेश्चन जा रहा है आपको, डैम का मतलब क्या है ना, डैम का मतलब होता है, डैमिंग का मतलब क्या होता है, किस चीज को डैम करना, रोकना। ओके, तो अब देखो जियो वाले हमसे पैसे क्यों लेते हैं, बोलो शाबाश। अब अगर मैं फोन लगू करने अपने मम्मी को डैडी को, हेलो हैप्पी रिपब्लिक डे है ना, इतना बोलने में क्या हुआ, हेलो तो बढ़िया सुन गया, रिपब्लिक डे ले टाइम पता क्या हुआ, मैं मेरी चूंढ ना मेरी आवाज का काम हो गया ना, तो जितना भी उन्होंने देखो ऊपर टावर के ऊपर सामान लगाया है ताकि जो ऑसिलेशन वेव्स हमारे मोबाइल तक आ रही है उनका एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहे ना, इसलिए उनको वहां पे ऑसिलेटर लगाना पड़ा है। क्या लगाना पड़ा है, देखो मैं ड्राइवर हूं, ये ड्रिवन है, आपकी मम्मा ड्राइवर है, वो देखो और जितने टाइम में आप यहाँ आ रहे हो उतने टाइम में मम्मा धक्का दे रही है ना, वो ड्राइव कर रही है और आप ड्रिवन है ना, मम्मा क्या हो गई ड्राइवर ऑसिलेटर और आप क्या हो गए, समझ गया, कई बार